एसयूवी से उतरा तो ड्राइवर समझे क्या? मालिक है मैं। काम पे रखनी है तो खुद को मालिक समझ रहा है? दिहाड़ी मजदूर है तू। दिहाड़ी मजदूर किसको बोला रे? पुष्पा, पुष्पा राज, ऐसा ऐसा जैसे भी 50 को खरीदेगा साला। चढ़ साला। अरे पुष्पा भाव, क्या हुआ? पुष्पा को सब हल्के में ले लिया साला। अरे आपको तो कोई भी हल्के में ले लेगा। वो कैसे बे? अरे आपका सारा बिजनेस ठप हो चुका है, आपका लकड़ी का भी बिजनेस सही नहीं चल रहा है। पुष्पा, पुष्पा राज ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेगा जो सबको वाट लगा देगा साला। चलो चड्डे ले लो, चड्डे पुष्पा का चड्डे, ब्रांडेड चड्डे ले लो, एक बार खरीदो साल भर पहनो, कभी फटेगा नहीं साला। एक चड्डी दिखा दो। ये लो पुष्पा का चड्डे। पुष्पा का चड्डे? ये कौन सा कंपनी है? कोई ब्रांडेड चड्डी दिखाओ, हम ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं। मेरा शर्ट ब्रांडेड, मेरा पैंट ब्रांडेड। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़े में नहीं होता, उसका चड्डी में होता है। पुष्पा का चड्डी कभी फटेगा नहीं साला। ये लो सिर्फ 200 में। 200? ये तो महंगा है। महंगा? एक काम करो, तुम्हारे लिए 2 चड्डी सिर्फ 400 में। हाँ ये हुई ना बात, निकाल पैसा। ये लो। मूर्ख साला। चड्डी ले लो चड्डे, पुष्पा का चड्डे, ब्रांडेड चड्डे, कभी फटेगा नहीं साला। ले लो। कैसो? तुम दुकान संभालो, मैं सुसु करके आता है साला। ठीक है भाऊ। चड्डी ले लो चड्डी, पुष्पा का चड्डी, ब्रांडेड चड्डी, कभी फटेगा नहीं साला। पुष्पा ये लो अपना चड्डी, मुझे ये चड्डी रिटर्न करना है। पुष्पा का चड्डी कभी रिटर्न नहीं होगा साला। मुझे लग रहा है आज और कल झारखंड में बहुत तेज बारिश होने वाली है। अच्छा रुको, मैं अभी प्रोवो पर ओपिनियन देकर पैसे कमाता हूँ। प्रोवो? ये क्या है रे? प्रोवो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम ये ज्ञान बांट सकता है और तो और प्रॉफिट भी बना सकता है सिर्फ हाँ या ना में अपना ओपिनियन देकर। मान लो आपका इंटरेस्ट जो भी है, क्रिकेट है, फाइनेंस है, यूट्यूब है, यहाँ तक कि मौसम है, सिंपली आप ऐसे या नो में जवाब दो और सही होने पर कन्फर्म पैसे कमाओ। ट्रस्टेड ऐप है क्या ये? बिल्कुल भाई, प्रोवो को 70 लाख से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं और रोज अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सही ऐप है, लेकिन इसे यूज कैसे करते हैं? भाई इसे यूज करना बहुत आसान है, रुको मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ और इस पे अपना ओपिनियन कैसे सबमिट करते हैं वो दिखाता हूँ। क्या इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3rd ODI मैच जीत पाएगी? इंडिया ने अभी साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में हराया है, इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुझे लग रहा है ये मैच भी जीत जाएगी। ओके, और अगर तुम अपने ओपिनियन पर श्योर हो तो इसमें तुम क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन भाई जीतने के बाद पैसे विड्रॉ कैसे होंगे? पैसे विड्रॉ करना, ऐड करना बहुत आसान है, आप गूगल पे, पेटीएम कार्ड किसी भी माध्यम से अपने जीते हुए पैसे निकाल सकते हो। ये तो बहुत सही ऐप के बारे में बता दिया भाई आपने, अब मेरा ओपिनियन कभी खराब नहीं जाएगा। तो आप लोग भी जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो प्रोवो ऐप। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा अप टू 25 रुपीज। डाउनलोड करो प्रोवो ऐप। इसका क्या करें? एक काम करो, ये दोनों चड्डी तुम रखो और साथ में ये पैसा भी रखो, खुद रहो साला। तो कैसा? कितना चड्डी बिका अभी तक? एक भी नहीं। एक भी नहीं? नहीं। अब मैं चड्डी बेचेगा साला। ए चड्डी ले लो चड्डे, पुष्पा का चड्डे, ब्रांडेड चड्डे, कभी फटेगा नहीं साला। ले लो। भाऊ मजाक उड़ा रहा साला। हाँ रे साला, इधर सुन, कंधा सीधा कर साला, मेरा मजाक उड़ाता है। पुष्पा राज का मजाक उड़ाने का नहीं साला। चड्डे ले लो चड्डे, पुष्पा का चड्डे, ब्रांडेड चड्डे, कभी फटेगा नहीं साला। ले लो। अरे भाऊ अपना चड्डी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। चल रहा है ना, इसी तरह चलता रहा तो अपन करोड़पति बन जाएंगे साला।
हाँ तो बताओ क्या समस्या है? मुखिया जी, ये लड़का मेरी लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। मैं इससे परेशान हो गया हूँ, इसको इस गांव से बाहर निकाल दीजिए। ऐसे कैसे निकाल दीजिएगा? आपका बेटी मुझसे प्यार करती है, अगर निकालना है दोनों को साथ निकालिए। हराम खोर मेरी लड़की को भगाना चाहता है। मेरी बेटी को भगाना चाहता है, पहचान है हमको? हम आपको बेटी को भगाना चाहते हैं, वो खुद मेरे साथ भागना चाहती है। अरे छोड़ो ना, मारो करेंगे वक्त। साला पहचानता नहीं हमको। अरे पकड़ ले, मार देगा हमको रे। मार देंगे रे। साला इसका फैसला पुष्पा ही करेगा। हेलो हेलो पुष्पा, मैं मुखिया जी बोल रहा हूँ। गांव में एक समस्या हो गया, जल्दी आओ। अभी आता है साला। क्या हुआ भाव? कुछ नहीं, तुम दुकान संभालो, मैं अभी आता है। ए चड्डी ले लो, चड्डी, पुष्पा का चड्डी, ब्रांडेड चड्डी, चड्डी चड्डी चड्डी। हाँ तो मुखिया जी बताइए क्या समस्या है? ये दोनों आपस में प्यार करता है और शादी करना चाहता है। हाँ तो इसमें समस्या क्या है? लेकिन इसका बाप नहीं मान रहा है। कहाँ इसका बाप? प्रणाम भाऊजी। पुष्पा तुमको झुकना नहीं है। बाप के सामने झुकना पड़ता है साला। प्रणाम। अच्छा तो तुम इस लड़के से प्यार करती है? हाँ हम इससे बहुत प्यार करते हैं। और तुम भी इस लड़की से प्यार करता है? हाँ भाऊ बहुत प्यार करते हैं। तो देख क्या रहा है, लेके भाग जाओ साला। अच्छा पुष्पा तू भी मेरी बेटी को भगाना चाहता है? मैं आपकी बेटी को भगाना नहीं चाहता हूँ, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए ये दोनों का शादी करा दो। ये साला दिहाड़ी मजदूर है और मैं अपनी बेटी का शादी दिहाड़ी मजदूर के साथ नहीं करा सकता। दिहाड़ी मजदूर किसको बोला रे? उसको बोला, और तू भी तो एक दिहाड़ी मजदूर है। पुष्पा पुष्पराज, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं ये दोनों का शादी करा के रहेगा साला। देखते हैं कौन रोकता है। कहां शादी उदी के चक्कर में फंस जाते हैं साला। क्या हुआ भाऊ? अरे कुछ नहीं, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हम शादी करा दी। वाह बहुत अच्छा काम किया भाऊ। किए ना, चलो अब चड्डे बेचते हैं। चड्डे लेला चड्डे, पुष्पा का चड्डे, ब्रांडेड चड्डे, कभी फटेगा नहीं साला। पुष्पा का कुबड़ा हड्डी फिर भी बेचेगा चड्डे, ले लो साला, ले लो साला, ले लो साला। साला किसको बोला रे? साला किसको बोला? वो तो पुष्पा का डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। फिर साला ये पुष्पा कौन है? लड़काओं के लड़की नाम रखता है ए साला। फिर साला इसके बारे में किसी को बताना नहीं साला। साला चड्डी ले लो चड्डी, पुष्पा का चड्डी, कुमड़ा हड्डी फिर भी बेचेगा चड्डी, ले लो ले लो ले लो लो। अरे साला रे सब लोग पकड़ पकड़ पकड़, चड्डी लेके भाग रहा है साला। पकड़ 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 पकड़, चड्डी चोर चड्डी साला, पकड़ पकड़। अरे देख रहे थे कितना भारी है ये साला, अपने को मामू समझता है। पुष्पा का चड्डी चोरी करता है। ए चड्डी ले लो चड्डी, पुष्पा का चड्डी, ब्रांडेड चड्डी, कभी फटेगा नहीं साला। भाऊ आज का सेलिंग बहुत अच्छा हुआ। हुआ ना? हाँ निकाल 5 लाख। 5 लाख? सुबह से अपना 20 चड्डी बिका, 1 चड्डी का 200, मतलब 20 चड्डी का 4000। 4000 हुआ है? और क्या। अरे साला इस तरह हम लोग अमीर आदमी कब बनेंगे रे? साला छोड़ो ये चड्डी उड़ी का बिजनेस, चलो कोई बड़ा बिजनेस सोचते हैं। भाऊ मैं क्या बोलता है, चलो KGF लूटते हैं, वहाँ बहुत सारा सोना है, हम लोग माला माल हो जाएंगे। हाँ हाँ
चलो साला। पुष्पा भाव, ये है KGF। चलो साला, रुको भाव, वो देखो रॉकी। अरे रॉकी भाई, तू तो समुद्र में डूब के मर गया था ना? नहीं रे, तैरना आता है मुझे, तैर कर बाहर आ गया। पुष्पा, बहुत नाम सुना रे तेरा, क्या चाहिए तेरे को? दुनिया। दुनिया? वो तो मुझे चाहिए। मुझे भी चाहिए साला। ठीक है तो ले लो साला। लेकिन हमको दुनिया के साथ साथ ये KGF भी चाहिए। जब तक रॉकी जिंदा है KGF को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं KGF को हाथ भी लगाएगा और लूटेगा भी साला। चलो रे। बता सोना कहाँ है? सोना, सारा सोना तो समुद्र में डूब गया। क्या? हाँ। अरे अरे रॉकी भाई, कम से कम 5-6 सोना लेकर आना चाहिए था ना। What? उतना ही माला माल बन जाते सारा। कैसा? हमारा चड्डी का ही बिजनेस अच्छा था। चलो साला चड्डी बेचते। चलो भाऊ। अरे ओ रॉकी भाई, सारा सोना तो खत्म हो गया, तू अकेले यहाँ क्या करेगा? समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चलो मेरे साथ, तू भी चड्डी बेचना। चलो।